केस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और साथ साथ सीएजी ने भी गंभीर आपत्ति की थी। व्यापक घोटाला हुआ है। एक तरफ किसानों के पेट पर लात मारने वाली सपा बसपा की सरकारें हैं और दूसरी तरफ किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज तो बसपा की मुखिया पर एक एफआईआर दर्ज हुआ है क्योंकि उनकी सरकार के समय 21 चीनी मिले बिक गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और साथ साथ सीएजी ने भी गंभीर आपत्ति की थी। व्यापक घोटाला हुआ है। एक तरफ किसानों के पेट पर लात मारने वाली सपा बसपा की सरकारें हैं और दूसरी तरफ किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब हम लोग 2017 में आए थे भाइयों बहनों, 2011 से तब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2012 में सपा की सरकार आई, 5 वर्ष तक थी। 2011-12 से लेकर के 2016-17 तक का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। जब हमारी सरकार आई, हमने एक साथ इन सभी गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, सपा बसपा की सरकारें 5-5 वर्ष तक थी 50 से 55 हजार गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करा पाती थी। हमारी सरकार ने 2 वर्ष के दौरान 65,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, पिछला गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और बाकी जो वर्तमान सीजन का गन्ना मूल्य का भुगतान है, इसका भुगतान भी वर्तमान सीजन में ही चीनी मिले करेंगी। जो चीनी मिले नहीं करेंगी, उनके लिए जेल का दरवाजा खुला होगा, उन्हें हम जेल के अंदर डालने का कार्य भी करेंगे, कोई संकोच नहीं करेंगे। और जब तक किसानों के खेत में गन्ना होगा, कोई चीनी मिल बंद नहीं होगी। पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके चला जाता था, लेकिन कभी भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आतंकवाद के प्रति और देश के दुश्मनों के प्रति गंभीर नहीं हुई। ऐसा नहीं कि हमारे सैनिकों में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है और भारत के बहादुर जवानों को जब भी अवसर प्राप्त हुआ है, दुश्मन के दांत खट्टे करने की मादा वे लोग रखते हैं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की अकर्मण्यता के कारण ये कार्य जो करने में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी, जिस कार्य को नहीं कर पाते थे। मोदी जी के आने के बाद आज आप देख रहे होंगे कैसे पुलवामा में 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद होते हैं और अब तक 44 आतंकवादी अकेले पुलवामा में ढेर हो चुके होते हैं। ये आतंकवाद की बिस्बेल कहां है? उस पाकिस्तान के अंदर घुस करके कैसे आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया और कैसे पाकिस्तान की कमर को तोड़ करके एक बार दुनिया के सामने उसे अलग थलग किया गया, ये अभूतपूर्व अवसर पूरी दुनिया ने देखा है।